नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं अरविंद सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र से, जहां के अठिलापुर गांव निवासी ब्रिजेश की किसी कारणवश मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों ने शव को रसड़ा तिराहे पर रखकर जाम लगा दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता सुमित गुप्ता से, जो इस वक्त घटनास्थल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या है पूरा मामला, किस कारण ब्रिजेश की मौत हुई है? जी, ब्रिजेश राजभर रहते हैं, उनकी मौत हो चुकी है। जी, पता चला है कि दरअसल ब्रिजेश गाड़ी चालक था। जी, परिवार वालों का कहना है कि 14/11/2017 को प्रेम शंकर सिंह ग्राम हिस्सा का पूरा रसड़ा बनारस के लिए ले गए वो। जी, और 15 तारीख को सूचना दी है कि ब्रिजेश गाड़ी और 25,000 रुपए लेकर बनारस से भाग गया है। जी, प्रेम शंकर के द्वारा दर्ज कराए गए। जी, 18 तारीख को रसड़ा थाने में ब्रिजेश के परिवार को सूचना मिली। जी, कि उसका बिहार में एक्सीडेंट हो गया है। जी, जिससे उसकी मौत हो गई। जी, मिलते ही परिवार में तनाव मच गया। जी, आज इलाज को लेकर जी बिल्कुल। सुमित एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर परिजनों द्वारा जाम लगाने की वजह क्या है और उनकी मांग क्या है? वजह ये थी कि ब्रिजेश राजभर जिसकी मौत हुई थी उसकी उसकी मुआवजा मिले। जी, पड़ताल किया जाए कैसे घटना घटा है। जी बिल्कुल, प्रशासन का कहना क्या है सुमित इस मामले में? क्या प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन से पूछने पर एसडीएम साहब से हमने बात की, तो एसडीएम साहब ने ये कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी फिलहाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित। जैसा कि आपने सुना कि हमारे संवाददाता ने बताया कि मुआवजे की मांग को लेकर चौराहे पर चक्का जाम किया गया है, और साथ ही परिजनों का कहना भी है कि मामले की सही से जांच भी हो। तो वहीं एसडीएम रसड़ा का कहना है कि अभी तक मामला हमारे संज्ञान में नहीं था, अब संज्ञान में आया है, इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे जब हमने पीड़ित परिजनों से बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। दूसरे दिन भाई से फिर बात नहीं, जिस दिन खाना खाया रूम पे उसी दिन बस बात। उसके बाद कब बात हुई? उसके बाद कभी बात। सूचना कब मिला आपको? सूचना मिला 15 तारीख को सुबह में, वो लोग आकर बोले कि तुम्हारा भाई गायब है, स्कॉर्पियो लेकर, और स्कॉर्पियो में 25,000 रुपये लेकर लालच में या ऐसे भी लेकर हो गया। बाकी हम लोग बोले कि मेरा भाई वैसा नहीं काम कर सकता, कभी भी नहीं करता, हम लोग खुद गरीब आदमी, हम लोग कभी कुछ नहीं करते। आप इसको क्या मानते हैं, मर्डर मानते हैं? मर्डर मानता हूँ मैं, तो मर्डर मानता हूँ। सब मानसिक आते हैं, मैं उन्हीं को बोला।